सॉन्ग आया है हिना खान का, उसको मैंने रिक्रिएट करा है उसका एक लुक, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने उसी टाइप से कुछ बिल्कुल ही उन्होंने स्मोकी आईज वगैरह इस टाइप से करा है, सेम मैंने हेयर स्टाइल वगैरह भी सेम वैसा ही रखा है जैसा कि हिना खान का है एक्चुअल में उसमें उस सॉन्ग में। सो प्लीज उस सॉन्ग को भी देख लेना और हिना खान का ये लुक जो मैंने क्रिएट करा है इसे भी, इस वीडियो को भी देख लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैं यहाँ एलोवेरा पतंजलि एलोवेरा जेल ले रही हूँ एज अ प्राइमर, इसी यूज़ करूँगी मैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि मैं कितनी क्वांटिटी में मैं अपने चेहरे पर अप्लाई कर रही हूँ, इसे अच्छे से अप्लाई करना है। लेकिन जो चीज़ ले रही हूँ मैं वो है लैक्मे का फाउंडेशन, इसी में फाउंडेशन को मैं अच्छे से अपने चेहरे पर अप्लाई करूँगी, ब्लेंड करूँगी अच्छे से। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि मैं अच्छे से इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करके इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। पहले मैं हाथों से डिप डिप करके ही ब्लेंड कर रही हूँ, उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड भी करूंगी, एक और बार अप्लाई करूंगी, क्योंकि इसका मीडियम कवरेज रहता है। सो ये फुल कवरेज नहीं देता, मीडियम देता है। सो इसलिए मैं इसे दो बार अप्लाई किया है, एक बार मैंने हाथ से अप्लाई किया था, एक बार मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई कर रही हूँ। थर्ड जो चीज़ ले रही हूँ वो है कॉम्पैक्ट पाउडर लैक्मे का 925 का। इसे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर में दो शेड आते हैं, मैं सेकंड वाला शेड ले रही हूँ अपने चेहरे के अकॉर्डिंग, और इसे मैं एक सिंपल ब्रश की हेल्प से, पाउडर ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से अपने पूरे चेहरे को चेहरे पर लगा रही हूँ, सेट कर रही हूँ पूरा। क्योंकि फाउंडेशन के बाद कॉम्पैक्ट या कोई भी पाउडर या लूज पाउडर कुछ भी लगाना जिस ज़रूरी होता है, जिससे कि आपका फेस पूरा पैक रहता है, फाउंडेशन पैक हो जाता है एकदम से, ऐसे परफेक्ट हो जाता है। उसके बाद मैं अपनी आईब्रो को फिलअप कर रही हूँ, जैसा कि हिना खान इंस्पायर्ड में उनकी आईब्रो थोड़ा पतले शेप में है, इस तरीके से ही मैं कर रही हूँ अपनी आईब्रोज। उसके बाद यहाँ मैं ले रही हूँ गोल्डन कलर का आई शेडो, इसी में क्रीज कर रही हूँ क्रीज एरिए को, फिर उसके बाद मैं पूरा फ्लप कर दूँगी इसे और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। उसके बाद मैं उसी ब्रश को एक ब्लैक आई शेडो लेके उसे कॉर्नर में यूज़ करूँगी, जैसा कि हिना खान की आईज़ में हो रहा है, सेम मैं वही लुक क्रिएट कर रही हूँ स्मोकी आईज़ बनाने के लिए। सो आप लोग को दिख रहा होगा कि किस तरीके से मेरी आंखें लग रही है फिलहाल। उसके बाद मैं फॉल्स आईलैशेस लगा रही हूँ ऑफ कैमरा। सो गाइस मैं ब्लश के लिए ले रही हूँ लाइट पिंक, और इसे मैं अच्छे से अपने दोनों चीक एरिए पे लगा लूंगी, और अच्छा सा एक नेचुरल सा लुक देने के लिए मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी। यहाँ मैं ले रही हूँ ब्रॉन्जर थोड़ा सा नेचुरल लुक देने के लिए। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पिंक कलर की लिपस्टिक, जैसा कि हिना खान ने लगाई हुई है, सेम मैं उसी कलर का ले रही हूँ। ये पिंक थोड़ा मैजेंटा कलर में आता है, ये वो वाला पिंक है, ये एकदम से वो वाला पिंक नहीं है, जो डार्क पिंक होता है वो वाला नहीं है, ये मैजेंटा में आ जाता है। लगा रही हूँ लाइनर ADS का, जो कि बहुत ही अच्छा है, ये स्किल्स लाइनर है जो कि आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इस लाइनर को मैं इतना ही लगाऊंगी जितना कि ये बिंग्स वाला नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि सिंपल लगाया है ना खान ने। उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ HR का मस्कारा। उसके बाद यहाँ मैं ले रही हूँ हाईलाइटर, जो कि मेरा फेवरेट शेड है, और उसे मैं अच्छे से अपने पूरे चीक एरिए पे, चीक बोन और नोज और अपर लिप्स वगैरह सब पे अप्लाई करूँगी अच्छे से। उसके बाद ADS का यहाँ मैं ले रही हूँ मेकअप पिक्सर, इसे मैं अच्छे से अपने चेहरे पे अप्लाई करके, और आप लोग देख सकते हो। Lover,
बहुत खुश हूँ और हैप्पी हूँ कि मैंने हिना खान इंस्पायर्ड मेकअप लुक क्रिएट करा है। आई होप लाइक दिस वीडियो, शेयर कर देना कहीं भी और अपने फ्रेंडों के साथ जहाँ भी आपका मन करे वहाँ शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।